पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के विरोध में और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान कई राज्यों में माहौल भी बिगड़ गया। यूपी में अभी तक 136 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें, रांची में शुक्रवार को उपद्रव के दौरान गोली लगने से जख्मी दो लोगों की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में एक की पहचान मुदस्सिर उर्फ कैफी के रूप में हुई है, जबकि दूसरे का नाम मोहम्मद साहिल है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान ने दो लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं अभी 8 जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है। मालूम हो कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद शुक्रवार को लोग सड़कों पर उतर गए। मेन रोड इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाल कर नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतला भी जलाया गया। इसके बाद देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गए। रांची में विरोध प्रदर्शन उग्र होने के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग भी की। इस दौरान भीड़ ने भी जमकर पत्थरबाजी की। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पत्थरबाजी में पुलिस के कई जवानों को चोट भी लगी। बहरहाल पुलिस ने भीड़ पर काबू पा लिया। प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद प्रशासन ने पहले रांची शहर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया दिया था, जिसे बाद में पूरे शहर में लगा दिया गया। कर्फ्यू के बाद लोगों ने हिंसा वाली जगहों पर कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। रांची में स्थिति शांत मगर तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन स्पीकर ने घोषणा कर लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील कर रही है। प्रशासन के अनुसार ऐसा करने पर उन्हें कस्टडी में लिया जा सकता है। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए शहर में इंटरनेट बंद कर दिया गया। कल की घटना के बाद से आज तक शहर में हिंसा की कोई खबर नहीं आई है। आज कई संगठनों ने बंद का ऐलान किया है, लेकिन धारा 144 लागू होने की वजह से बंद बेअसर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग लेने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि मुझे अचानक इस चिंताजनक घटना के बारे में जानकारी मिली और झारखंड की जनता हमेशा से बहुत संवेदनशील और सहनशील रही है। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सभी से अपील करता हूं कि ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग लेने से परहेज करें, जिससे इस तरह के और अपराध ना हों। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।